अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी बज जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द ब्रिज टू सक्सेस। वी आर हियर टू सॉल्व द एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलीनोमियल्स क्लास 10th एक्सरसाइज 2.4। सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक है। वी मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। गिवन दैट रूट 2 इज अ जीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलीनोमियल 6x³ प्लस रूट 2x² माइनस 10x माइनस 4√2, फाइंड इट्स अदर टू जीरोस। इस क्यूबिक पॉलीनोमियल में एक जीरो दे रखी है और हमको बाकी दो जीरोस निकालने हैं। पहले देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है। आपका एफ ऑफ एक्स दे रखा है 6x³ प्लस रूट 2x² माइनस 10x माइनस 4√2। अब एक जीरो दे रखी है रूट 2, यानी कि मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू रूट 2 है। अब x की वैल्यू रूट 2 है तो हम फैक्टर तो इजीली बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू जीरो। अब क्या हो जाएगा, विल ट्रीट दिस एज जी एक्स और इसको पी एक्स से डिवाइड करेंगे। इसको मैं पी एक्स ले लेता हूं, ज्यादा आसान रहेगा। इसको पी एक्स से डिवाइड करेंगे तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस रूट टू और पॉलिनॉमियल पूरा लिखेंगे 6x³ प्लस रूट 2x² माइनस 10x माइनस 4√2, ठीक है। आपको पता आगे कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका x इंटू 6x² हो जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 6x³ रूट 2 माइनस रूट 2 इंटू 6, ये हो जाएगा माइनस 6√2x², ठीक है। लेट्स चेंज अप द साइंस, क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, 6√2 प्लस रूट 2 हो जाएगा 7√2x² माइनस 10x, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 7√2, पॉजिटिव 7√2। अब यहां पर x है, यानी कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, पॉजिटिव 7√2x से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 7√2x। तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने, 7√2x² और ये हो जाएगा 7 × 2 = 14, रूट टू इंटू रूट टू टू, 7 × 2 = 14, ये हो जाएगा माइनस 14x। साइंस बदलिए, नेगेटिव पॉजिटिव चेंज, ये हो जाएगा 4x माइनस 4√2। अब देखिए x को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 4 आ जाए, जाहिर सी बात है 4 से करेंगे तो प्लस 4, 4x माइनस 4√2, साइन चेंज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0। सो फाइनली वी गॉट द रिमाइंडर एज 0। अब q ऑफ x क्या है, q ऑफ x है 6x² प्लस 7√2x प्लस 4। तो यहां पर स्प्लिट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2x प्लस 4√2x प्लस 4, क्योंकि देखिए 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24 हो जाएगा, 24 ही आपको चाहिए। 3x इसमें कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस रूट 2 और इसमें 4 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, रूट 2x प्लस 1, ठीक है। अब क्योंकि कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में रूट 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा 3√2x, तो हो जाएगा रूट 2x प्लस 1 प्लस 4√2x प्लस 1। अब रूट 2x प्लस 1 एक आपका कॉमन फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर क्या होगा, 3√2x प्लस 4, जीरोस निकालने हैं तो वी इक्वेट बाय 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/√2 और यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/√2 माइनस 4/√2। अब क्योंकि हमने नाइन्थ में भी सीखा है कि हम रेडिकल्स को डिनोमिनेटर पे छोड़ते नहीं है तो x की वैल्यू यानी कि हमारे लिए क्या हो जाएगी, माइनस 1/√2 × √2/√2,
तो ये हो जाएगा माइनस रूट टू अपॉन टू, और दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस फोर थ्री रूट टू, इसको रूट टू से करिए तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर रूट टू अपॉन सिक्स, तो ये हो जाएगा टू बाय थ्री, एक्स विल बी इक्वल टू माइनस टू रूट टू बाय थ्री। एक वैल्यू आ गई माइनस रूट टू बाय टू और एक वैल्यू आ गई माइनस टू रूट टू बाय थ्री। आई होप आपको समझ आ गया है। इट ऑल स्टार्टेड विद एक्स इज इक्वल टू रूट टू, फिर आपने फैक्टर बढ़ाया, फिर लॉन्ग डिविजन मेथड से किया, रिमाइंडर आपका जीरो आया, फिर क्यू ऑफ एक्स को आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करी तो इससे आपके जीरो निकले, और फिर फाइनली क्या करा है मैंने, रेडिकल्स को हटाने के लिए मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, तो एक्स की आपकी दो वैल्यूज निकल गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, फाइंड के सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस के इज अ फैक्टर ऑफ टू एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यू माइनस फोर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ऑल्सो फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। टू पॉलिनोमियल्स मतलब इन दोनों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो पहले हम इसकी जीरोस निकाल देंगे, k की वैल्यू जो निकलेगी, फिर जो qx की जीरोस निकाल देंगे, बाय विच बाय दिस वील गेट फोर जीरोस, तो उन्हीं जीरोस की बात होगी। तो पहले हम डिवाइड करके देखेंगे, और देखिए मेजर चीज क्या दे रखी है, ये x square plus 2x plus k is a factor, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, जीरो। तो लास्ट में जो भी हमारी k की वैल्यू आएगी उसको सिंपली हम जीरो से इक्वेट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी हमारा x का कोफिशियंट आएगा। चलिए अब देखिए 2x4 plus x cube minus 14x square plus 5x plus 6. Gx, g of x क्या है? x square plus 2x plus k. हाँ जी, किससे शुरू कीजिएगा? 2x power 4 चाहिए, तो मैं अगर यहां पर 2x square कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2x power 4. ये क्या हो जाएगा? 2 into 2, 4x cube. और ये हो जाएगा माइन प्लस टू के एक्स स्क्वायर। साइन चेंज कीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा, मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं तो हो जाएगा फोर्टीन प्लस टू के एक्स स्क्वायर और प्लस फाइव एक्स। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तीन ना यहां पर, तो हमको तीन तीन उतारने पड़ेंगे, एक्स क्यूब का भी कोफिशियंट हो गया, एक्स स्क्वायर का भी हो गया और एक्स का भी हो गया। अब देखिए यहां पे एक्स क्यूब का कोफिशियंट क्या है, थ्री, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, थ्री नहीं है माइनस थ्री है, सो आई मल्टीप्लाई दिस बाय माइनस थ्री एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स क्यूब, ये हो जाएगा प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस थ्री के एक्स। ठीक है जी, अब साइन चेंज कीजिए, प्लस माइनस प्लस कैंसल आउट। अब इसको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अब ये देखिए माइनस है, क्योंकि अब इस साइन को देखना नहीं है, और ये भी सारा माइनस होगा बिकॉज ब्रैकेट के बाहर सारे आपके माइनस साइन है, तो अगर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस 6 आपका 20 हो जाएगा और 2k एज इट इज रहेगा, बट क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है तो इसीलिए हमारे सारी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका माइनस 20 माइनस 2k। ठीक है, माइनस 20 माइनस 2k एंड दिस इज गोइंग टू बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर देखिए थोड़ी सी यहां पर गलती हुई है कि 2 इंटू माइनस 3 यहां पर माइनस 6 आएगा, तो उसको रेक्टिफाई कीजिए, अभी अभी रेक्टिफाई कीजिए, ये माइनस 6 है तो अब यहां पर ये प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़े से यहां पर देखिए मेरे से भी एरर हुआ है, एरर्स को थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर पहली स्टेप में पता लग गया है, अगर ना पता लगे तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पर देखिए माइनस 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा, माइनस एट, और ये आपका माइनस टू रहेगा, ये माइनस टू के।
मैं इसको काम क्या करता हूं कि इसमें नेगेटिव साइन पहले से ही कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 के हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 के, उसका कोफिशियंट क्या होगा x। अब ये देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है यहां पर 2k प्लस 8, अब मैं इसी से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट टू इज नेगेटिव, सो नेगेटिव 2k प्लस 8 से मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा ये तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, नेगेटिव 8 प्लस 2k लिख देता हूं यहां पर एक्स स्क्वायर। अच्छा यहां पर क्या हो जाएगा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर देखिए इसको यहां पर नेगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है, यहां पर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 2 2s 4 और 2 8s 16, यानी कि हो जाएगा 4k प्लस 16x एंड वी नीड टू टेक आउट 6 ऑल्सो, और कॉन्स्टेंट में आपका क्या हो जाएगा दिस विल बी माइनस 2k स्क्वायर प्लस 8k। ठीक है, अब फिर से साइन चेंज कीजिए, ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, कैंसल आउट हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखिए ऐड करिए, ये देखिए ये प्लस हो गया ना, अब इस माइनस साइन के कोई मायने नहीं है, सो वी गोइंग टू कंसीडर दिस साइन इज प्लस, तो यानी कि पूरी की पूरी टर्म ये प्लस है, तो 3k प्लस 4k क्या हो जाएगा 7k, 5 प्लस 16 21, ठीक है x, और ये एज इट इज उतार लीजिए, ये हो जाएगा 6 प्लस 2k स्क्वायर प्लस 8k, ओके। नाउ सिंस इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन कि ये फैक्टर है, g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा r ऑफ x आपका 0 हो जाएगा, यानी कि मैं इसको पूरा यहां से जीरो ऑफ एक्स से इक्वेट कर सकता हूं, तो अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा 7k प्लस 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 21 बाय 7 आ जाएगी माइनस 3, ठीक है। अब आपका k की वैल्यू तो निकल गई, अब जीरोस कैसे निकालिएगा, जीरोस के लिए सिंपल आपने क्या करना है, पहले तो जी ऑफ एक्स में आप k की वैल्यू डालिए, g ऑफ x में क्या दे रखा था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k, ये लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 x माइनस 1 एक्स प्लस 3, इसको जीरो से इक्वेट कीजिए क्योंकि जीरो निकाल रहे हैं, तो एक्स आपका 1 हो जाएगा और दूसरी तरफ एक्स हो जाएगा माइनस 3, ठीक है। अब क्योंकि आपने अपने जी ऑफ एक्स में के की वैल्यू डाली है, आपको दो जीरोस मिल गए, अब दो और बचे हैं, तो यहां पर क्या करेंगे इसमें वैल्यू डालिए, यहां पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस, यहां पर क्या करूंगा 2 इंटू माइनस 3 प्लस 8, ठीक है, सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 8 माइनस 2 हो जाएगा, तो इसको माइनस 2 रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस 4 है, मुझे प्रोडक्ट में माइनस 4 चाहिए और सम में माइनस 3 चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 2, 2x एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2, यानी कि फैक्टर्स क्या हो गए आपके x माइनस 2 2x प्लस 1, जीरोस क्या हो जाएंगे फाइनली x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो कुल मिला के कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे, क्या क्या हो जाएंगे 4 जीरोस विल बी व्हाट 1 माइनस 3 2 एंड माइनस हाफ, दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन हैज टू बी डन। अब ये क्वेश्चन इसकी प्रोबेबिलिटी हालांकि कम होती है बट फिर भी आ सकता है बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पलर, सो यू कैनॉट लीव इट,
इसको ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली हो जाएगा. थैंक यू. अगले हम क्लास में हम फर्दर आगे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, थैंक यू सो मच.